आज हम शहर अध्यक्ष श्री कुलबीर सिंह छाबड़ा जी के पास आए हैं। सामने विधानसभा चुनाव है और प्रत्याशी पद के लिए भाई साहब ने भी आवेदन किया है। 5 बार का इनका पार्षद कार्यकाल का सफल कार्यक्रम रहा है और जिसपे निर्विवाद रूप से इन्होंने अपने वार्ड के लिए विकास कार्य किए हैं। उसके अलावा शहर कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी संभालते हुए संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और सामने जो चुनाव है उस पर प्रत्याशी पद के लिए जो इन्होंने आवेदन किया है, यदि माँ शीतला के आशीर्वाद से इन्हें टिकट मिल जाती है तो ये राजनाथ गांव के विकास के लिए क्या सोचे हैं, यदि ये चुनाव जीत जाते हैं तो राजनाथ गांव का विकास किस प्रकार करेंगे और जनता को ये कैसे राहत देंगे। आदरणीय कुलबीर जी नमस्कार, आपसे ये सारे जो प्रश्न हैं ये हमने पूछा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपके विचार हैं? क्योंकि टिकट का जो काम है वो हमारे संगठन के सम्मानित लोगों के है, जो संगठन का निर्देश होगा जिसको मिलेगी टिकट हम उसके लिए काम करेंगे, उसको जिताएंगे। ठीक है, वो तो आप जिताएंगे ही, लेकिन राजनाथ गांव की टिकट बाई जो है यदि आपको मिल जाती है और आप चुनाव जीत जाएंगे तो राजनाथ गांव की जनता को आप क्या राहत देना चाहेंगे? यहाँ बीएनसी मिल बंद हो चुका है और विकास के नाम पर जो है केवल मनरेगा का काम या मजदूरी लेबर, इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं है। उद्योग विहीन हमारा राजनाथ गांव विधानसभा है, आप राजनाथ गांव की जनता को और यहाँ के बेरोजगारों को कैसे राहत देंगे, यह मेरा प्रश्न है। 15 साल के भाजपा के रमन सिंह के कार्यकाल से अभी जनता मुक्त हुई है, राजनांदगांव मुक्त हुआ है, पूरा प्रदेश मुक्त हुआ है। 15 साल में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रहते हुए उनके निर्वाचन क्षेत्र की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार और भरोसे का काम कर रही है। देखिए आप ये कि कल भी भरोसे का सम्मेलन हुआ, लोगों ने हाथों हाथ लिया, जनता ने कांग्रेस की सरकार पर भरोसा किया है। कांग्रेस की सरकार ने और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने जो कहा वो निभाया, वो वादा जो घोषणा पत्र में था जो उन्होंने बोला नाहक निभाया। सभी घोषणाओं को आपने देखा कि कितनी जल्दी पूरी हुई। किसानों के लिए बात की थी तो किसानों के लिए भी कैसे 2500 रुपये की धान की खरीदी उनको और 10,000 रुपये प्रति क्विंटल जो मिल रहा है, प्रति एकड़ जो मिल रहा है उनको, किसान राजू किसान न्याय योजना का भूमिहीन किसान लोगों को भी मिल रहा है। अभी यहाँ पर आपने देखा शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल, हमारे स्वामी आत्मानंद स्कूल जो खुले हैं, जिससे आज जो बच्चे गरीब बच्चे जो आज पढ़ने में तकलीफ महसूस करते थे और प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ निःशुल्क उनको वहाँ पर और पूरे पेपर आज दे रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आत्मानंद स्कूल का आ रहा है। स्वास्थ्य के लिए आपने देखा स्वरम योजना में भी आपको दरवाजे तक पहुँच के स्वास्थ्य की सेवा हो रही है। असल आज इतनी योजनाएं आ चुकी हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है वो और जो कर रही है वो रोज नित नई घोषणाएँ, शिक्षा कर्मियों को शिक्षक बनाना, अभी 2000 लोगों की सीधी भर्ती हुई है। अभी आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी ने भी अभी आप देखें कि 2000 शिक्षकों को अभी नियुक्ति पत्र दिया है। तो ये सब बातें जो है अभी हो रही है और राजनांदगांव की स्थितियाँ बहुत तकलीफ दे रही है क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह ने कोई काम नहीं किया है। और यदि ये बोलते हैं कि 15 साल का विकास तो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में जब ये स्थिति है, आज लोग काम के लिए तकलीफ, जैसे भी देख रहे हैं आप राजनांदगांव की स्थितियों को कि जो भी समस्याएं हैं वो 15 साल पहले समस्या थी तो आज तक निराकरण नहीं हुआ, वही तो तकलीफ है, उन समस्याओं का निराकरण अब हो रहा है। तो डॉक्टर रमन सरकार ने कोई काम नहीं किया है और राजनांदगांव तो हमारा घर है, हमारा क्षेत्र है, हमारे राजनांदगांव के लोग अपने हैं, ये हमारा नांदगांव है। हम घरों से कहते हैं कि हमारा नांदगांव, तो हमारे नांदगांव को कैसे सजाना संवारना है, कैसे लोगों को सुविधाएँ देनी है, कैसे लोगों के लिए हमको व्यवस्था देनी है, कैसे रोजगार देना है और जो यहाँ पर परिस्थितियाँ जो हमको दिखती है वो सब हमको पता है। हम रोज़ घूम रहे हैं, रोज़ लोगों की समस्याओं का यथासंभव निराकरण कर रहे हैं,
करते आ रहे हैं, और मैं तो जमीनी रूप से लोगों के बीच बैठता उठता रहा हूँ, तो मुझे लोगों के दुख दर्द और तकलीफें पता है। जितना तक हो सकता है हम बिल्कुल करते ही हैं और आगे भी हमको करना ही है। निश्चित रूप से सतत सहयोग हमारा जो रहेगा, ये हमारा कर्तव्य है। कोई हम करके बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर रहा, ये हमारा कर्तव्य है, हमको करना चाहिए और आगे भी हम करेंगे निश्चित रूप से। और एक हमारा घर कैसे संवरे, कैसे सजे, ये हर घर वालों को पता रहता है। हमारा राजनांदगांव कैसे संवरे, हमारा क्षेत्र राजनांदगांव का जो है वो कैसे अच्छा डेवलप हो, विकास हो, हर इंसान की एक ख्वाहिश रहती है। यदि आप अपना घर समझोगे तो इंसान अपने घर को साजने संवारने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ता। तो वैसे ये हमारा घर है, हम अपने घर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छा संवारेंगे, सजाएंगे। उद्योग मंत्री थे, उसके बारे में जब BNC मिल हटा वो वाला पड़ा, ये जो BNC मिल जो बंद हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? BNC मिल जो बंद हुआ है वो उसके गुनाहगार डॉक्टर रमन सिंह है। उद्योग मंत्री रहते हुए और उनकी वहाँ पर खुद की वहाँ पर केंद्र में सरकार हो और उसके बाद में वो उसको नहीं बचा पाए, मिनिस्टर थे वो। ये डॉक्टर रमन सिंह के कार्य की सामने साक्षात परिणाम है कि दूसरों पे दोष देते हैं ये। आप डॉक्टर रमन सिंह BNC मिल को नहीं बचा सके, ये उसके बाद भी ये दुर्भाग्य, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है, उनका ये घर है ही नहीं, ना उनको ये पता है, ये परदेसी है राजनांदगांव के लिए। तो परदेसी अपने घर को देखेगा, ये परदेश को थोड़ी देखेगा, इसलिए इनको कोई मतलब नहीं। इनको लोगों को लोभ देकर, लालच देकर, घुमा कर, फिरा कर, झूठी जानकारियां देकर और एक ऐसा माहौल बना के वोट लेने का काम है, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। राजनांदगांव को इन्होंने यही स्थिति पैदा की। यदि ये होती तो आज जैसे ही कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई, आदरणीय भूपेंद्र बघेल जी की सरकार आई, तो जैसे ही तो ये लोग चिल्लाने लग गए कि ये समस्या है, ये समस्या है। तो 15 साल की समस्या खुद ही जो इनके कार्यकाल में रही नहीं कर पाए, उसी को ये सामने ला रहे हैं। तो वो तो कांग्रेस सरकार कर ही दी है, अब करेगी निश्चित रूप से। हमारे नगर निगम में भी इसी प्रकार की बातें आई थी, चूँकि मैं पार्षद भी हूँ, सदन में इस प्रकार की बातें आई। पार्षद बड़े बड़े BJP के जो मुखिया है, उनके लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ 15 साल से तकलीफ है, हमारे यहाँ 15 साल से नाला नहीं बना है, हमारे यहाँ 15 साल से नहीं हुआ है। तो जब इनके खुद के वार्डों में कद्दावर नेता और इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री और विधायक जो रमन सिंह है, वो लोग रो रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड परिणाम है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिए सदन की। तो ये दुर्गति हम नहीं बोल रहे, उन्होंने खुद अपना बताया भाजपा के लोगों ने कि हमारे यहाँ 15 साल से डॉक्टर रमन ने ये दुर्गति की है कि 15 साल से काम नहीं हो पाया। ये साक्षात प्रमाण है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भाजपा के पार्षद बोल रहे हैं 15 साल से नहीं हुआ। तो ये आपको मैं प्रमाण दे रहा हूँ इस स्थिति का, भाजपा ने खुद कहा, भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि 15 साल से कोई काम नहीं हो पाया। धन्यवाद आपका, ईश्वर करे आपको टिकट मिले और आप से प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। समाचार संकेत न्यूज चैनल से संपादक किशोर गुप्ता, सह संपादक महादेव श्री चंदेल, शब्दांजलि न्यूज चैनल से संपादक सुश्री नलिनी श्रीवास्तव।